हाय गाइस, नमस्ते. वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो बाय टीजे. अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आ रहे हैं और फर्स्ट टाइम मेरी की हुई कोई रीडिंग देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो, एंड वीडियो को लाइक भी दे दीजिएगा. सो हिंदी में रिक्वेस्टेड टॉपिक था ये कि आपके जो पर्सन है जिनको भी माइंड में रख के आपके मन में ये सवाल आता है कि क्या वो जेलस हैं, क्या उनको जेलसी फील होती है जब वो आपको किसी और के साथ देखते हैं, सो यही टॉपिक है आज का. इसी पे रीडिंग होने वाली है, पिक अ पाइल रीडिंग हिंदी में. सो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं. सो दीज आर द थ्री कार्ड्स इन फ्रंट ऑफ यू. तीन ऑप्शंस हैं, तीन कार्ड्स हैं आपके सामने. कार्ड नंबर वन, कार्ड नंबर टू एंड कार्ड नंबर थ्री. आपके पार्टनर, आपके पर्सन या आपके एक्स या जिनको भी माइंड में रख के आपको ये सवाल आता है आपके दिमाग में कि क्या वो जेलस होते हैं आपको किसी और के साथ देख के या आपको अपनी लाइफ में मूव ऑन करते हुए देख के, सो इसी टॉपिक पर, इसी सवाल को लेके ये जनरल रीडिंग है गाइस. कार्ड नंबर वन, कार्ड नंबर टू एंड कार्ड नंबर थ्री. डू दे गेट जेलस, जेलसी होती है या नहीं होती है? गाइस आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, अपना टाइम ले सकते हैं कार्ड सिलेक्ट करने के लिए. टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, कितने मिनट और कितने सेकंड पर आपकी रीडिंग स्टार्ट होने वाली है. ओके, लेट्स बिगिन विद द रीडिंग. कार्ड नंबर वन के साथ रीडिंग शुरू करते हैं. हेलो, नमस्ते जिन्होंने फर्स्ट कार्ड सिलेक्ट किया है गाइज, दिस इज द रीडिंग फॉर यू. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक कि आप लोगों के रिलेशनशिप में, आप लोगों के बीच में अभी क्या चल रहा है. एंड फर्स्ट कार्ड वी हैव पेशेंस एंड प्लानिंग. सो कोई है जो स्टेप बाय स्टेप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है. देन वी हैव फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स. ओके वाओ, स्पिरिचुअल यूनियन. Here we have fulfillment of wishes. And base chakra. ठीक है. So group number वन, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है वो आपको धीरे धीरे अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए स्टेप बाय स्टेप अपनी जिंदगी में चेंजेस लाते हुए देख रहे हैं. एंड उनको ये पता है कि कहीं ना कहीं आप ये चाहते थे अपनी लाइफ में. अगर आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में हैं, स्पिरिचुअल यूनियन, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स, यहाँ पे भी एक फैमिली है, एक कपल है, उनको पता है कि आप चाहते थे कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आए, फाउंडेशन स्ट्रांग बने, बैलेंस बने आपकी लाइफ में, यहाँ पे दो पिलर्स हैं जो कि सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, सो वो जानते थे ये बात कि आपको ऐसा कोई पर्सन चाहिए अपनी लाइफ में, कोई सपोर्ट सिस्टम चाहिए. एंड वो देख रहे हैं अपने आपको आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे, एक एक स्टेप लेके यू आर मूविंग टूवर्ड्स योर गोल. जो कुछ भी आप अचीव करना चाहते थे, आपकी बहुत सारी विशेज हैं जो कि पूरी हो रही हैं, जो शायद आपने उनसे कभी कहा होगा, कि आप अपनी लाइफ में ये सब कुछ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, ऐसा घर चाहते हैं, यहाँ ट्रैवल करना चाहते हैं, ऐसी फैमिली चाहते हैं, ऐसी शादी चाहते हैं. वो सारी विशेज वो दूर से आपकी पूरी होते हुए देख रहे हैं. कोई स्पेसिफिक जगह जो आप जहाँ आप घूमना चाहते हैं, कोई भी विश वो दूर से देख रहे हैं कि स्लोली स्लोली आप वो सब कुछ अचीव कर रहे हो, एंड ये सब चीजें देख के आई वुड से कि उनके अपने रिश्तों पे इस चीज का असर पड़ रहा है. जेलेसी की अगर हम बात करें तो अभी कन्फर्म मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है कि जेलेसी है या नहीं, आगे रीडिंग में कन्फर्म हो जाएगा, बट ये चीज उनको डेफिनेटली बॉदर कर रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि शायद वो आपको ये सब कुछ देना चाहते थे लेकिन सिचुएशन, या आप लोगों को शायद इतना टाइम नहीं मिला, या उनकी किसी गलती की वजह से सेपरेशन हुआ, जो भी हुआ, उनको ऐसा फील होता है कि ये सारी चीजें अगर आप उन्हीं के साथ एक्सपीरियंस करते तो वो ज्यादा खुश होते, आप जो कुछ भी खुशियां, जो कुछ भी चेंजेस, जो कुछ भी बदलाव आप कर रहे हो अपनी जिंदगी में फॉर गुड, अच्छे के लिए, और उनको दिख भी रहा है. मे बी सोशल मीडिया पे प्रॉबेबली आपको स्टॉक करते हो, या किसी फ्रेंड के थ्रू, किसी रिलेटिव के थ्रू,
किसी के थ्रू वो आप पे नजर रखते हो, आप पे चेक रखते हो कि आप किस एनर्जी में हो, आप क्या क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। वो चाहते हैं कहीं ना कहीं कि ये सारी चीजें आप उन्हीं के साथ एक्सपीरियंस करते। एंड उनको ये भी लग रहा है कि अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ अब आप मूव ऑन कर चुके हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, देन आई फील कि उनको ऐसा फील हो रहा है कि ये यूनियन जो था, स्पिरिचुअल यूनियन या एक कंपैटिबिलिटी मैं कहूँगी, वो उनको ऐसा लगता है कि आपकी और उनकी ज़्यादा बेहतर थी बजाय कि उस इंसान के जिनके साथ आप अभी हैं। तो आई वुड से कि ये चीज़ वो बार बार अपने आप अपने माइंड में लेकर आते हैं, अपने आप को बताने की कोशिश करते हैं, बट आपसे नहीं शेयर कर पा रहे हैं। ठीक है। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप जो हो इतनी समझदारी के साथ आप आगे बढ़ लोगे अपनी लाइफ में, एंड बहुत सारी पॉजिटिविटी आप अपनी लाइफ में लेकर आ जाओगे विदाउट देयर प्रेजेंस, इनकी प्रेजेंस के बिना। आपकी लाइफ में इतना कुछ अच्छा हो जाएगा इनकी प्रेजेंस के बिना, ये शायद ये पर्सन जो है एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। ओके, नाउ एज यूजुअल हमेशा मैं करंट एनर्जीज चेक करती हूँ। एंड सॉरी गाइज, एक्चुअली एक दो दिन मैं ट्रैवल कर रही थी, इसकी वजह से मैं कोई रीडिंग ना अपलोड नहीं कर पाई। सो जैसे ही मैं पहुंची हूँ, मैंने सोचा फटाफट से आप लोग वेट कर रहे होगे, लेट्स डू अ रीडिंग। तो करंट फीलिंग्स इनकी चेक कर लेते हैं ग्रुप नंबर वन के लिए। लगता है मैंने आपको खो दिया। सी, फर्स्ट कार्ड ये निकल के आया है, उनको ऐसा लग रहा है कि अब तो आप मूव ऑन कर ही चुके हो, अब तो आप क्या ही आओगे वापस। वन पर्सन इज ओवर डूइंग। देन वी हैव आई डिड अ मिस्टेक। अब इनको लग रहा है कि शायद इनसे कुछ गलती हो गई है। राइट, आप तो आगे बढ़ रहे हो, मैं भुला नहीं पा रहा हूँ, मैं भुला नहीं पा रही हूँ जो भी हैं आपके पर्सन। एंड मेजर कार्ड क्या आया है आपका? आई मिस योर स्माइल अलॉट। सो ये अब मुझे लगता है सिंस आप प्रॉबेबली इनकी लाइफ में अब नहीं हैं, या कॉन्टैक्ट में नहीं हैं, या उस तरीके के रिलेशनशिप में नहीं हैं जैसे रिलेशनशिप आप लोगों का पहले होता था, तो दे आर मिसिंग यू। उस चीज़ को, उस रिलेशनशिप को ये मिस कर रहे हैं, उस फीलिंग को ये मिस कर रहे हैं। देन इनको कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि जिस वक्त आप लोग एक साथ थे तब आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट्स हुए हैं, इन्होंने वैल्यू नहीं करी। राइट, सही टाइम पर शायद ये ना आपको वो सपोर्ट नहीं दे पाए। ओके, या वो सब चीजें ही आपको उस वक्त नहीं दे पाए जिस वक्त आप और ये एक साथ थे, एक रिलेशनशिप में थे, एंड इनसे गलती हो गई। अब क्या हो रहा है कि अब इनको ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया है कम्प्लीटली। यू हैव मूव्ड ऑन, आप आगे बढ़ चुके हो, एंड ये भूल नहीं पा रहे हैं। सम हाउ इनके माइंड में आपकी जो मेमोरीज हैं, राइट, कुछ ऐसे विजन स्पेसिफिक, कुछ विजन्स, कुछ मेमोरीज, कुछ स्पेसिफिक सी बातें वो इनके माइंड में बार बार आते रहते हैं, वो प्ले होते रहते हैं बार बार। एंड उसी की वजह से ये पर्सन जो है, जैसे कि मैंने कहा था, उसका असर इनके रिश्तों पे पड़ रहा है, मे बी इनके फ्रेंड्स के साथ, इनकी फैमिली में, इनके काम के ऊपर भी, इनके फाइनेंसेस, स्टडी के ऊपर भी। समहाउ ये जो फीलिंग्स हैं वो असर डाल रही हैं। राइट, बेस चक्रा, जैसे कि किसी का बेस ही हिला दो, आप बिल्डिंग का बेस हिला दोगे तो बाकी की चीजें तो क्या ही फिर टिकेंगी। राइट, तो कुछ ऐसी सी फीलिंग्स मुझे इनकी तरफ से आ रही हैं। ये बहुत ही ज्यादा शेकी, बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल फीलिंग्स में है अभी इस वक्त। एंड अगर ये ऑलरेडी किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, अगर ये भी मूव ऑन कर चुके हैं एंड देन वापस मुड़ के आपकी तरफ देख रहे हैं, देन आई वुड से कि जिनके साथ ही अभी हैं उनको भी ये बहुत ज्यादा टाइम और वैल्यू नहीं दे पा रहे हैं, बिकॉज अब इनका फोकस आप ही की तरफ जा रहा है। ये आपको देख रहे हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए, चीजें अचीव करते हुए, आपकी कुछ विशेज हैं ऐसी जो पूरी हुई हैं, फुलफिलमेंट ऑफ विशेज, या फिर प्रॉबेबली अभी तक नहीं हुई हैं। तो 9 इज द नंबर गाइज, 9 दिन, 9 हफ्ते, 9 महीने के अंदर कोई भी आपकी कोई बहुत बड़ी विश जो है पूरी होने वाली है। कहीं आप किसी स्पेसिफिक जगह पे आप काम करना चाहते हो, किसी स्पेसिफिक जगह पे आप घूमने जाना चाहते हो, कहीं आप शिफ्ट होना चाहते हो परमानेंटली, कोई भी जो आपकी कोई भी विश है स्पेशल सी जो आपने इनके साथ शेयर करी थी, वो इनके सामने पूरी होगी जब आप इनकी लाइफ में नहीं होगे।
सो ये उस वक्त इनके माइंड में ये थॉट आएगा या अभी आ रहा है कि वो मोमेंट इनको आपके साथ जीना था, बट वो नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली, जो भी रीजन रहा हो आपकी सिचुएशन में। ठीक है, अब मैं लास्ट टाइम टैरो से कंफर्म कर लेते हो कि इनकी क्या ये जेलस हैं या नहीं है आपको किसी और के साथ देख के, जिंदगी में आगे बढ़ता देख के। ग्रुप नंबर वन, आई टेक दिस कार्ड। यस, एट ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनाई, लीब्रा, एक्वेरियस राशि, एंड वी हैव सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आप, आपके पर्सन। एंड वी हैव फाइव ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, एंड वी हैव नाइन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ऑलमोस्ट ऑल द साइंस आर प्रेजेंट, सारे ही साइंस यहाँ पे प्रेजेंट है गाइज, जनरल रीडिंग है। एंड देन मेजर कार्ड क्या कहता है आपका, इनके माइंड में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं इस वक्त, बहुत स्ट्रगल भी चल रही है। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एंड मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये पर्सन वापस से घूम के आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन इनके रास्ते बंद हैं, इनके रास्ते बंद हैं क्योंकि बहुत सारी डिफरेंसेस आप लोगों के बीच में ऑलरेडी आ चुके हैं, राइट। पास्ट में इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बैलेंस बनाने की कोशिश करी है, या आपने बहुत ज्यादा इस रिलेशनशिप में एफर्ट डाला है, वन पर्सन इज ओवर डूइंग, ये आपका कार्ड भी आया था, राइट, वन पर्सन इज ओवर डूइंग इज सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। सो किसी एक की तरफ से बहुत ज्यादा एफर्ट किया जाना, बार 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 कोशिश करना, एंड देन सामने वाला पर्सन उसको रिसीव नहीं कर रहा है या कम्प्लीटली रिसीव नहीं कर रहा है, रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है, तो वो मुझे लगता है कि इनसे एक मिस्टेक हुई है। एंड वहीं पे जाके मुझे लगता है कि ये सोचते हैं कि अगर मैं वापस जाता हूँ या वापस जाती हूँ, दोबारा से आपको अप्रोच करते हैं, भले ही नॉर्मल बातचीत करने के लिए भी अगर ये आपको अप्रोच करे तो पता नहीं आपका क्या कैसा रिएक्शन होगा, कहीं दोबारा से कुछ आर्ग्यूमेंट्स ना हो जाए आप लोगों के बीच में। जेलेसी मुझे है, मुझे लगता है कि इनको है कहीं ना कहीं, ठीक है, दिखाते नहीं हैं, दिखा नहीं रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वही बात है कि वो सारी चीजें जो अब आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, ये चाह रहे थे कि वो सारी चीजें आप इनके साथ एक्सपीरियंस करते। जेलेसी इस बात की है कि आपकी लाइफ में जो भी पॉजिटिव चेंजेस अब आ रहे हैं या जो कुछ भी अच्छा हो रहा है वो आप किसी और पर्सन के साथ शेयर कर रहे हैं, इस चीज की जेलेसी है, राइट। ये आपकी सक्सेस से नहीं जलते, ये आपकी खुशियों से नहीं जलते, इनको सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि आपकी लाइफ में जो भी अच्छे चेंजेस आ रहे हैं, अच्छा होता कि ये आपकी लाइफ में होते और आप दोनों मिलके उन सब खुशियों को एंजॉय करते। सो ये इनकी फीलिंग्स हैं, जेलेसी है, लेकिन ये उस इंसान की जगह होना चाहते हैं कहीं ना कहीं जिनके साथ अभी एट प्रेजेंट आप हैं, राइट। या अगर इनको डाउट भी होगा किसी पे कि आप शायद इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में हो, तो ये चाहते हैं क्योंकि इनके माइंड में एक इमेज शायद बनी हुई है कि आपकी लाइफ में है कोई स्पेशल पर्सन, सो ये वो पर्सन बनना चाहते हैं दोबारा से, या उनकी जगह पे आके वो सारी खुशियां, वो सारे चेंजेस आपके साथ ये एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। ग्रुप नंबर वन, गाइस दिस इज द रीडिंग फॉर यू। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस रीडिंग के जरिए मैं आपको कुछ क्लैरिफिकेशन दे पाई हूँ या सही तरह से आपके इस सवाल का जवाब दे पाई हूँ, ये रिक्वेस्टेड रीडिंग थी, रिक्वेस्टेड टॉपिक था। सो गाइज प्लीज, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है टैरो बाय टीजे, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी दे दीजिए जल्दी से, एंड लेट्स मूव ऑन टू ग्रुप नंबर टू। हेलो, नमस्ते ग्रुप नंबर टू, जिन्होंने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है, गाइज दिस इज द रीडिंग फॉर यू। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ओरेकल से कंफर्म कर लेते हैं क्या चल रहा है अभी, क्या एनर्जीज हैं, देन पर्टिकुलरली आपके पर्सन की फीलिंग्स चेक करेंगे, अभी प्रेजेंट टाइम में आपके टूवर्ड्स क्या फीलिंग्स हैं। ओके, ट्रायम्फेंट सक्सेस, एयर एनर्जी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, हार्ट एक एंड लॉस, मेजर कार्ड है अवेयरनेस, एंड दो कार्ड्स मैं यहाँ पे और लूंगी। ओके, ट्रूथ, ये पर्सन जेलस हैं या नहीं है अभी क्या चल रहा है, एंड विजडम, तो थ्री मेजर कार्ड्स आ गए हैं।
राइट एंड मेजर कार्ड की जगह पे मेजर कार्ड ही आया है, अवेयरनेस है, ठीक है, हार्ट एक एंड लॉस. ये पर्सन डेफिनेटली यू नो आपको किसी और के साथ देख के या आपकी एब्सेंस में इनको बुरा लग रहा है फिलहाल. दे आर फीलिंग बैड, बुरा लग रहा है अंदर ही अंदर से, हर्ट हो रहा है. बट देन ये सच को देखने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं. सी ये इंसान दूर से एक घर की तरफ देख रहा है, एक फैमिली की तरफ देख रहा है एंड इनको ऐसा लग रहा है कि शायद मेरा रास्ता जो है अब अलग है. ये लोग अलग हैं, इनकी इनकी लाइफ अलग है, हमारे रास्ते जो हैं वो अब अलग डायरेक्शंस में बढ़ चुके हैं. सो क्यों ना मैं अब अपनी लाइफ पे फोकस करूं. अवेयरनेस किसी चीज़ के बारे में, यू नो अवेयर हुए हैं ये, इनको कुछ पता चला है, विजडम है, अवेयरनेस है, ट्रूथ है, सच्चाई को देखने की कोशिश कर रहे हैं, राइट. बहुत ही ज़्यादा ये हर्मिट हर्मिट की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है. सो कॉन्टेम्पलेशन में है ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा. ये पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, क्या अच्छा हुआ है, क्या बुरा हुआ है. एंड आई वुड से कि ये किसी को भी जज नहीं कर रहे हैं अपने माइंड में, अपने दिल में कोशिश पूरी कर रहे हैं कि किसी को भी जज ना करें, किसने क्या सही किया, क्या गलत किया. आई वुड से कि ये थर्ड पार्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इस सिचुएशन को देख रहे हैं, एक तीसरे पर्सन के नज़रिए से, एक थर्ड पर्सन के नज़रिए से जो इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व नहीं है, राइट, उस पर्सपेक्टिव से ये इस रिश्ते को देख रहे हैं एंड जस्ट यू नो ऑब्जर्व कर रहे हैं, जज नहीं कर रहे हैं. लेटर ऑन प्रॉबली कुछ टाइम के बाद ये जब इनके सामने इनकी सिचुएशन यू नो इनकी लाइफ थोड़ी सी और आगे बढ़ेगी, आपकी लाइफ थोड़ी सी और आगे बढ़ेगी, उसके बाद मुझे लगता है कि ये अपने ऑब्जर्व करने वाले मोड से बाहर आएंगे एंड देन इनको एक फाइनल एक आउटकम एक कंक्लूजन मिलने वाला है, राइट. अभी एट प्रेजेंट मुझे नहीं लगता है कि ये अपने लॉजिकल माइंड से कुछ खास समझ पा रहे हैं, ये समझना चाह रहे हैं. बहुत सारे केसेस में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो पर्सन है ये यू नो लाइट वर्कर हो सकते हैं या आप लाइट वर्कर हो सकते हैं व्यूअर, ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, राइट. बट वन पर्सन इज वेरी सैड, कोई एक है जो बहुत ज्यादा यहाँ पे अपसेट है. आपको ये लाइफ में आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं दूर से. इनको ऐसा फील हुआ था कि इनके लाइफ से जाने के बाद आप शायद दोबारा कभी उठकर खड़े नहीं हो पाएंगे या फिर यू नो यू हैव लॉस्ट द बैटल. इनको ऐसा फील हुआ था कि ये जो एक बैटल है वो आप हार चुके हैं, बट इन्होंने पीछे मुड़ के आपको देखा है, राइट. कहीं से भी कुछ भी इनको यू नो हिंट मिला हो या किसी फ्रेंड के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू कहीं से भी ये कनेक्ट हो पाए हैं अगर आपसे, तो इन्होंने पलट के देखा है कि आप ठीक है अपनी जगह, ठीक है, आप अपनी लाइफ में अच्छा भी परफॉर्म कर रहे हैं, राइट. इनको मुझे नहीं लगता कि ये डाउट है इस वक्त कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो. ये इंडिविजुअली आपको देख रहे हैं. प्रॉबली कुछ लोगों के लिए हो भी सकता है बिकॉज विजडम कार्ड की जो पिक्चराइजेशन है मुझे ये बता रही है कि ये वापस मुड़ के कपल को देख रहे हैं, एक सेटिस्फाइड स्टेबल प्लेस में देख रहे हैं एंड खुद ये अकेले खड़े हुए हैं, अपने रास्ते पे अकेले जा रहे हैं और शायद इनको अभी इस वक्त ऐसा फील हो रहा है कि यही इनके लिए सही होगा. ये शायद गॉड इनसे यही चाहते हैं, ठीक है, शायद गॉड आप दोनों से यही चाहते हैं कि आप लोग अपनी लाइफ को सेपरेटली जिए, राइट. कुछ इस तरीके की बात इनके माइंड में आ रही है. ओके, ग्रुप नंबर टू, करंट फीलिंग्स देख लेते हैं. आपके टूवर्ड्स आपके पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स हैं. ओके, वी गॉट वन कार्ड. पहला कार्ड आ गया है आई डिड अ बिग मिस्टेक. सो इनको ऐसा फील हो रहा है ऑलरेडी कि इनसे कुछ गलती हुई है एंड आई टेक दिस कार्ड. वो समय ही ठीक नहीं था प्रॉबेबली. जिस वक्त आप लोग रिलेशनशिप में थे, एक दूसरे के साथ थे, इनको ऐसा फील हो रहा है कि वो टाइम शायद या तो रिलेशनशिप में होने के लिए ठीक नहीं था या फिर यू नो किसी और चीज़ की वजह से ये आपको वैल्यू नहीं दे पा रहे थे, आपके रिश्ते को नहीं समझ पा रहे थे. आई मिस यू, मिस कर रहे हैं. यू आर माई सोलमेट,
एंड इनको ओके सो ये जो अवेयरनेस इनको आ रही है इस वक्त, वो इनको ये अवेयरनेस आ रही है कि आप इनके सोलमेट हैं. एंड मेजर फीलिंग्स, मेजर कार्ड इनका क्या है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स क्या है, प्लेयर डेंजर प्लेयर. सो हो सकता है कि इस वक्त ये किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो, राइट, बट ये उन पर, उनको भी, जिनके भी साथ ही रिलेशनशिप में है इस वक्त, उनको भी ये आई वुड से आपके बारे में सोच रहे हैं अगर कंटिन्यूसली, देन कहीं ना कहीं ये थर्ड पर्सन के साथ भी गलत कर रहे हैं, राइट. इसीलिए इनका ये कार्ड आया है, डेंजर प्लेयर डेंजर. इन्होंने शायद पास्ट में आपको चीट किया है, या आपकी किसी तरीके से इंसल्ट करी है, लेट डाउन किया है आपको बहुत ज़्यादा किसी के सामने. कुछ मुझे यहाँ पे ऐसा भी फील हो रहा है कि कई लोगों ने अपने घर में अपने फैमिली के साथ ये सारा अपने रिलेशनशिप की बात शेयर करी, एंड देन अल्टीमेटली ये जो पर्सन है इन्होंने अपनी पीठ दिखा दी, ये भाग गए, या इन्होंने यू नो कम्प्लीटली रिलेशनशिप ख़त्म कर दिया, ब्लॉक कर दिया, गोस्ट कर दिया. बट नाउ अब ये देख रहे हैं वापस मुड़ के, आपको याद कर रहे हैं कि शायद जब आप थे इनकी लाइफ में तब लाइफ अच्छी थी, एंड शायद आप ही सोलमेट कनेक्शन थे जिनकी वजह से ब्रेकअप हुआ है, जिनकी वजह से सेपरेशन हुआ है. कोई थर्ड पर्सन है वो शायद इम्पोर्टेंस नहीं रखते, या कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ब्रेकअप हुआ है. थर्ड पार्टी जो होता है वो सिर्फ एक इंसान नहीं है, वो डेफिनेटली कोई सिचुएशन भी हो सकती है, वर्क से रिलेटेड सिचुएशन भी हो सकती है, हेल्थ, फैमिली इशू, कोई भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस जो होता है, आप दोनों की एनर्जी से हट के कोई अगर बाहर से कोई इन्फ्लुएंस आता है तो उसको हम थर्ड पार्टी बोलते हैं, राइट. थर्ड यू नो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस जो होता है, आई होप समझ गए होंगे आप लोग. सो पर्टिकुलरली अफेयर नहीं होता, पर्टिकुलरली कोई पर्सन नहीं होता, वर्क से रिलेटेड सिचुएशन हो सकती है, हेल्थ, फैमिली, कुछ भी हो सकता है. तो जिस भी वजह से आप लोगों का सेपरेशन हुआ है वो चीज़ अब इनके लिए मैटर नहीं करती है, अब मैटर नहीं करती है, बिकॉज अब इनको स्लोली स्लोली अपनी गलती का, अपनी गलती की रियलाइजेशन हो रही है. जैसे कि मैंने आपको बताया, ये थर्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अपने रिश्ते को, आपके और इनके रिश्ते को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि शायद इन्होंने उस टाइम पे नहीं किया जिस वक्त आप लोग साथ थे, अदरवाइज आप लोगों के बीच में इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट होता अगर ये पर्सन सही टाइम पर समझ जाते. एंड कुछ मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है व्यूअर्स, आपकी तरफ से भी कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं, कुछ गलतियाँ आपकी तरफ से भी हुई हैं, कुछ गुस्सा, ईगो आपकी तरफ से भी रहा है. कोई है यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग रहे हैं अपने पर्सन के लिए, शक करते रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो रियल लाइफ में क्रिएट हो गई. वो शायद उस वक्त शायद चीट नहीं कर रहे थे, बट देन खुंदक में आके या यू नो चिढ़ के उन्होंने किसी और से बात करना शुरू कर दिया, या किसी और चीज़ पे फोकस करना शुरू कर दिया. सो ये मुझे इनकी फीलिंग्स, आपके रिलेशनशिप की फीलिंग्स मुझे यहाँ पर ऐसी फील हो रही हैं, ऐसी दिख रही हैं. ग्रुप नंबर टू, लेट्स कन्फर्म टैरो से देख लेते हैं कि जेलस हैं या नहीं हैं. अगर आप रिश्ते में हैं किसी के साथ तो इनको कैसा महसूस हो रहा है. ओ माय गॉड, ओके, एट ऑफ सोल्स, पेज ऑफ कप्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, अगेन सेवन ऑफ सोल्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, फोर ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, एंड मेजर कार्ड आपका क्या है ग्रुप नंबर टू के लिए है, स्ट्रेंथ. इनकी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग फेमिनिन इन्फ्लुएंस है, ठीक है, जो इस वक्त इनको सपोर्ट कर रहे हैं, इनको संभालने की और इनको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट. अगेन मदर हो सकते हैं, कोई स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, इवन यू नो डिवाइन फेमिनिन हरसेल्फ वो भी हो सकती हैं जो इनको गाइड करने की कोशिश कर रही हैं, ओके. सो ये पर्सन, इनके मन में आपके लिए अभी भी फीलिंग्स हैं, अगर हम लविंग फीलिंग्स की बात करें तो वो कम्प्लीटली डेड नहीं हुई है. पेज ऑफ कप्स है, वो फीलिंग्स हैं इनके मन में, राइट. मौका मिलेगा तो ये फिर से आपके तरफ आ सकते हैं, लेकिन अभी इनसे अपने इमोशंस नहीं संभाले जा रहे हैं, इनको आगे का कुछ नजर नहीं आ रहा है, इनको अपने हाथ बंधे हुए फील हो रहे हैं, आंखों पे पट्टी बंधी है, राइट. फ्यूचर नहीं देख पा रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, कोई ऐसा
कोई ऐसा एक्शन जिसको लेके या कोई चीज़ ऐसे डिसाइड करके कहीं मूव ऑन करके कि इनकी लाइफ भी आगे बढ़े, वो चीज़ ये नहीं कर पा रहे हैं। एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसा फील होता है कि ये जेलस हैं। अगर आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में हैं गाइस, तो ये पर्सन जेलस हैं। लेकिन जेलसी से ज़्यादा यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इनको अफसोस है किसी बात का, राइट? इनको रिग्रेट है और गिल्ट है किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा, और अंदर ही अंदर ये इंसान अपने आप को ब्लेम करते हैं। बाहर से शायद ये नहीं दिखाते हैं, बट अंदर ही ये इंसान अपने आप को कहीं ना कहीं ब्लेम करते हैं। तो जेलसी है कि काश इनसे ये गलती ना हुई होती, कुछ मिस्टेक ना हुई होती, सही टाइम पे संभाल लिया होता, तो इस वक्त आज ये आपके साथ में होते, कोई और पर्सन नहीं होता, ये होते उस जगह पे, राइट? ग्रुप नंबर टू, गाइस, दिस इज द रीडिंग फॉर यू। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस रीडिंग के जरिए मैं आपको कुछ क्लैरिफिकेशन दे पाई हूँ या आपकी कुछ मदद कर पाई हूँ, देन प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए टैरो बाय टीजे अगर अभी तक नहीं किया है तो, राइट? एंड वीडियो को लाइक भी दे दीजिए गाइस। और कोई टॉपिक है आपके माइंड में, कोई टॉपिक आप सजेस्ट करना चाहते हैं तो कॉमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उस पर भी रीडिंग लेकर आऊंगी। एंड लेट्स मूव ऑन टू ग्रुप नंबर थ्री। हेलो ग्रुप नंबर थ्री, जिन्होंने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है, ब्लू कार्ड सिलेक्ट किया है विद अ कपल, गाइस, अभी क्या चल रहा है, करंट फीलिंग्स क्या हैं, करंट एनर्जी क्या है, रिलेशनशिप में जेलस हैं या नहीं है, देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं आपके लिए। पेशेंस एंड प्लानिंग, पाइल नंबर वन में भी आया था ये, ग्रुप नंबर वन में भी ये वाला कार्ड आया था, पेशेंस एंड प्लानिंग, रीजॉइस इन सेलिब्रेशन, ठीक है, दिस इज लाइक थ्री ऑफ कप्स, ओके, सो लीब्रा है यहाँ पे, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस है यहाँ पे, देन वी हैव पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, पेशेंस के दो कार्ड्स आए हैं। आई वुड से गाइस आपने बहुत ज्यादा बहुत पेशेंस रखा है, बहुत सब्र से आपने काम लिया है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए। एंड हार्ट चक्रा, वाओ, ओके, बट आपके पर्सन की फीलिंग्स में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है, राइट? कुछ ना कुछ है जो उनको कनेक्ट होने से रोक रहा है। कहीं ना कहीं जिस वक्त आप लोग रिलेशनशिप में थे, ये कंप्लीटली आपके प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, कंप्लीटली आपको अब एक्सेप्ट नहीं कर पाए, आपसे दिल से ये पर्सन शायद जुड़ नहीं पाए। एंड आपने बहुत सब्र रखा है, बहुत पेशेंस रखा है इस रिलेशनशिप को स्टेबल बनाने के लिए, आगे ले जाने के लिए, इस रिलेशनशिप में खुशियां लाने के लिए बहुत एफर्ट्स आपने किए हैं, बट वो रिजल्ट नहीं मिला है, राइट? सो अभी आपको देख रहे हैं दूर जाते हुए, एंड खुशी खुशी दूर जाते हुए। आपकी लाइफ में अच्छे चेंजेस आ रहे हैं, रिजॉइस इन सेलिब्रेशन। सो हो सकता है कि रिसेंटली आपने कुछ सेलिब्रेट किया हो, कोई बर्थडे, एनिवर्सरी या न्यू जॉब, कुछ ऐसा है, कोई ऐसा स्पेसिफिक कोई इवेंट है जो आपने सेलिब्रेट किया है, या आपने कोई बहुत ज़्यादा कोई हैप्पी हैप्पी वाली कोई चीज़ है जो आपने शायद अपने सोशल मीडिया पे शेयर करी है, या अपने फ्रेंड से, किसी ऐसे म्यूचुअल फ्रेंड से जो इनको भी जानते हैं, आपको भी जानते हैं, कोई रिलेटिव है, कोई है जिनसे आपने अपनी कोई बहुत खुशी वाली बात शेयर करी है, वो बात इन तक पहुंची है, राइट? एंड ये देख रहे हैं आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, और इनको ये भी पता है कि आप जो भी चेंजेस इस वक्त अपनी जिंदगी में लेकर आ रहे हैं वो आपके लिए अच्छे ही हैं, आपके लिए और खुशियां और रोशनी की तरफ ये चेंजेस आपको लेकर जा रहे हैं, एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ ये चेंजेस आपको लेकर जा रहे हैं, जो कि शायद इनके साथ मुमकिन नहीं हो पाता, इनके इनके साथ शायद ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती, क्योंकि आप अपने मोस्टली आप अपनी एनर्जी जो थे वो इस रिलेशनशिप को बचाने में या अपना लव एक्सप्रेस करने में, अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाने में, आप वो एनर्जीज यहाँ पे स्पेंड कर रहे थे इनके साथ रिलेशनशिप में। सो एक ग्लास है, उसमें से अगर आप इमेजिन करो कि एक पानी का ग्लास है, उसमें से आप कितना टाइम है आपके पास वो पानी है, या कितने एफर्ट्स हैं वो पानी है, राइट? तो लिमिटेड अमाउंट है ना आपके पास, वो आप मैक्सिमम इनके ऊपर स्पेंड कर रहे थे, तो आपके पास अपने लिए कुछ नहीं बच रहा था, राइट? आप अपने ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे थे, अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे,
बट सिंस सेपरेशन हुआ यू हैड योर ओन ग्लास ऑफ वाटर एंड अब आप उसको अपने तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, राइट? सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है गाइज मैंने, एक इमेजिनरी, एक हाइपोथेटिकली एग्जाम्पल दिया है आपको. सो ये चीज इनको दिख रही है अब कि शायद ये बहुत ज्यादा आपकी एनर्जीज को कंज्यूम कर रहे थे एंड जिसकी वजह से आप अपना ट्रू पोटेंशियल जो है वो एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे थे या आप खुद नहीं देख पा रहे थे कि आप किस दिशा में आप अपनी लाइफ को ले जा सकते हैं, कितना ग्रो कर सकते हैं या खुद ही आप अपना सपोर्ट बन सकते हैं, राइट? ये सारी बातें हैं जो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये समझ नहीं पा रहे थे या आप समझ नहीं पा रहे थे इस रिलेशनशिप में जब आप थे इनके साथ. ओके, करंट फीलिंग्स देख लेते हैं गाइज एंड देन चेक करेंगे अल्टीमेटली कि क्या ये जेलस हैं या नहीं है. ग्रुप नंबर 3, करंट फीलिंग्स, डिसऑनेस्ट, कुछ बात छुपाई है, किसी ने कुछ झूठ बोला है, लगता है मैंने आपको खो दिया. अब इनको फील हो रहा है कि अब तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, मूव ऑन कर चुके हो, सो यू आर प्रोबेबली नॉट कमिंग बैक. जैसा आपके साथ किया वैसा ही मेरे साथ भी हो गया. ओके, एंड यू आर माई सोल मेट. सो जो चोट या जो दर्द इन्होंने आपको दिया है वो इनके पास वापस आ गया है, राइट? उसके बाद इनको रियलाइजेशन आ रही है कि इन्होंने शायद आपको खो दिया है. एंड यहाँ पे मेरे पास दो कार्ड्स और गिर गए हैं गाइस, मुझे एक ही निकालना था बट दो मैसेजेस आ गए हैं. आई मिस अस एंड आपने मेरा बहुत साथ दिया. सो प्रोबेबली जो कुछ भी इन्होंने आपके साथ किया है वो इनके साथ हो रहा है या हो चुका है या प्रोबेबली एट प्रेजेंट हो रहा हो, अभी इन दिनों में कुछ ऐसा चल रहा हो इनकी जिंदगी में. सो इनको अब रियलाइज हो रहा है कि आप स्पेशल पर्सन थे, आप लोगों के बीच में कुछ खास था एंड आपने मेरा बहुत साथ दिया. वही बात जो मैं आपसे भी कह रही थी कि आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाए हैं इस रिलेशनशिप में, अपना मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम फीलिंग्स आपने इनके साथ, इन पे इन्वेस्ट करी हैं, ठीक है? हो सकता है कुछ लोगों ने फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया है अपने पर्सन को ग्रो करने के लिए या उनको एनकरेज किया है किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए. वो अब मिसिंग है उनकी लाइफ में से. वो आगे बढ़ने की जो एक फायर है, जो एक सपोर्ट है, पैशन है, वो सारी फीलिंग्स इनकी लाइफ से मिसिंग है. इनकी लाइफ शैलो सी बन गई है अभी, खोखली सी जिंदगी है इनकी एट प्रेजेंट, क्योंकि शायद ये गलत चीजों के पीछे चल दिए थे. ऐसी चीजों का के पीछे ये ही और शी वाज वॉकिंग जो अल्टीमेटली आगे जाके एक डेड एंड था या फिर सिर्फ एक दिखावा था, धुंध थी, उसमें ये खो गए. एंड अब स्लोली स्लोली आंखें खुल रही हैं इनकी एंड इनको अंदर से ये रियलाइजेशन आ रहा है. गाइस कई बार ऐसा होता है कि लोग दूसरों के साथ गलत करते हैं एंड देन रियलाइज भी नहीं करते हैं, पूरी पूरी लाइफ निकल जाती है लोगों की, लोगों को रियलाइज नहीं होता है, ईगो की इतनी मोटी लेयर चढ़ जाती है ना दिमाग के ऊपर कि सच्चाई नहीं देख पाते हैं. तो यहाँ पे जिनके साथ ही रीडिंग रेजोनेट कर रही है उनके लिए मैं एक चीज बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करूंगी, जब भी ये वाला कार्ड आता है एटलीस्ट उस पर्सन को पता है कि अब उनको ये पता चल रहा है कि जो पेन उन्होंने आपको दिया था, आपके ऊपर इन्फ्लिक्ट किया था, वो जब उन पे बीत रहा है तो उनको एटलीस्ट समझ में आ रहा है कि आपको उस वक्त कैसा लगा होगा, राइट? ओके, टैरो से कंफर्म कर लेते हैं भाई. ग्रुप नंबर 3, ये पर्सन आपको किसी और के साथ देख के या इनके बिना अपनी लाइफ में हैप्पी देख के खुश हैं या जेलस हैं, क्या हैं? एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, द स्टार, एक्वेरियस राशि हो सकती है आपकी, आपके पर्सन की. Then we have Ace of Pentacles, दो दो aces आ गए हैं. इनको मौका मिलेगा तो ये अभी आ जाएंगे भागे भागे आपके पास. King of Cups, इनकी feelings बहुत strong हैं. ये पूरे दिल से चाह रहे हैं कि आप लोगों के बीच में जो कुछ भी खराब हुआ है, जो कुछ भी खत्म हुआ है, वो वापस से ठीक हो जाए, right? And we have Five of Wands as the major card.
सो एरीज लियो सेजिटेरियस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस एंड एक्वेरियस राशि, ये राशियां हो सकती हैं आपकी या आपके पर्सन की. ओके सो इनकी जो फीलिंग्स हैं वो ट्रूली जेलसी की नहीं है, राइट. इनकी जो फीलिंग्स हैं वो हैं, अगर आप किसी और के साथ इस वक्त रिलेशनशिप में भी हो, देन आई वुड से इनको जो फीलिंग आ रही है आपको किसी और के साथ देख के, वो सिर्फ यही है कि इनसे गलती हो गई है एंड इनकी फीलिंग्स अभी भी आपके लिए बहुत स्ट्रांग है. किंग ऑफ कप्स है, पेज ऑफ कप्स नहीं है, नाइट ऑफ कप्स नहीं है, किंग ऑफ कप्स है. तो स्ट्रांग फीलिंग्स हैं डेफिनेटली. ये पर्सन अपना फ्यूचर आपके साथ अभी भी देखते हैं, भले ही आप अपनी लाइफ में कितने भी आगे बढ़ गए हो, भले ही आप किसी के भी साथ हो, इनको पूरा यू नो कन्फर्म है कहीं ना कहीं कि एक एक मौका मिले अगर इनको तो ये वापस आएंगे भागे भागे, राइट. दे विल कम बैक, एक चांस इनको मिल जाए अगर, एंड उसके बाद ये चीजें इमेजिन करते हैं या इनके दिमाग में कुछ ऐसा है कि उसके बाद आप लोगों की एक नई दुनिया होगी. सो ये जेलेसी नहीं है, ये एक तरीके का यू नो इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट फील करते हैं अपने आप को जब ये आपको किसी और के साथ देखते हैं. इनको ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में आप बिलोंग करते थे, आप इनकी लाइफ का हिस्सा थे, तो अब आप किसी और की लाइफ का हिस्सा कैसे हो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट. किसी ना किसी तरीके से मैं आपको वापस खींच के ले आऊंगा या वापस खींच के ले आऊंगी. ओके सो जेलसी यहाँ पर मुझे नहीं दिख रही है. ये पर्सन बस आपको दोबारा से यू नो दोबारा से आपको पा लेना चाहते हैं. ओके बिकॉज जिनके भी साथ आप इस वक्त रिलेशनशिप में हैं, राइट, उनके टूवर्ड्स इनकी कोई हेट्रेड वाली फीलिंग्स मुझे यहाँ पे नहीं फील हो रही हैं. ऐसा है कि अगर ये देखते भी हैं कि आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो, तो ये वो पर्सन जो है वो इनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं. उनको तो ये बिल्कुल यू नो इन्होंने कैंसिल आउट कर दिया है कि भाई आप तो सिनेरियो में हो ही नहीं, ये देखते भी नहीं है, इनका फोकस आप ही के ऊपर है. तो जेलसी तो तब आएगी ना जब ये आप लोगों को साथ में देखेंगे, ये देखते ही नहीं है, ये देखते ही नहीं है आप लोगों को साथ में, इनका फोकस आप ही की तरफ होता है. लाइक अगर ये कभी आपकी यू नो आप अभी मैरिड हैं या किसी और के साथ रिलेशनशिप में हैं, आप कोई पिक्चर अपलोड करते हैं सोशल मीडिया पे या व्हाट्सएप पे कहीं पे भी, तो ये जब आप दोनों की फोटो देखते हैं तब ये थर्ड पर्सन को तो ये देखते ही नहीं है, ये आप ही को देखते हैं सिर्फ. गाइस ग्रुप नंबर थ्री, ये इनकी फीलिंग्स हैं, राइट, एंड अल्टीमेटली यू नो अभी ओवरऑल जो कुछ भी चल रहा है कार्ड्स ने बताया है आपके लिए, इट्स अ जनरल रीडिंग. हो सकता है कि पूरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती हो, हो सकता है कि कुछ मैसेज हो इस रीडिंग में आपके लिए. अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपको कुछ क्लैरिफिकेशन दे पाई हूँ या कुछ हेल्प कर पाई हूँ आपके इस रीडिंग के थ्रू, एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है टैरो बाय टीजे, तो प्लीज़ कर लीजिए. कोई टॉपिक आता है आपके माइंड में आप सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं डेफिनेटली उस पर भी एक रीडिंग लेकर आऊँगी. एंड गाइज आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन नमस्ते एंड टेक केयर.